विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे छोटियात के जो हमने तीन पार्ट पढ़े थे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो उनकी हम संरचना के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। उनमें किस प्रकार के कौन कौन से ऊतक होते हैं और उनमें कौन कौन से प्रकार की ग्रंथियां या सेल्स पाई जाती है, तो उन भागों के हम संरचना देखेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी उसके तीन पार्ट थे, तीन भाग थे, जिसमें हमने एक पढ़ा था जिसको हमने कहा था ड्यूडेनम, दूसरे को हमने कहा था जेजुनम और तीसरा पार्ट हमने पढ़ा था ईलियम। ये तीनों ही पार्ट हालांकि छोटी आंत के हैं, लेकिन इनमें कुछ ग्रंथियों को लेकर इनमें कुछ कुछ भिन्नताएं पाई जाती है, तो हम इनके पार्ट्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ड्यूडेनम को और उसको हम पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम की संरचना पढ़ते हैं, ड्यूडेनम में अंग में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं। तो ड्यूडेनम को अगर अपन देखें तो ये नलिकानुमा संरचना ही होती है, तो इसके चार स्तर होते हैं। अगर हम इसको इस नली को इस तरह से अगर अपन काटें तो सबसे बाहर इनके एक स्तर होता है जिसको हम कहते हैं सीरोसा, ये उपकला का बना हुआ होता है। फिर इसके ठीक अंदर की तरफ देखें तो अंदर की तरफ होता है, ये जो अंदर की तरफ है ये होता है मसल्स लेयर या पेशी ऊतक, जिसको अपन कहते हैं मसल्स लेयर। और फिर अंदर जाएं तो अंदर इसके होता है, इसके अंदर देखें तो वो होता है तीसरा स्तर जिसको अपन कहते हैं सब म्यूकोसा। और सबसे अंदर वाला जो परत है वो होती है म्यूकोसा, ये अंदर वाली होती है म्यूकोसा। तो इस तरह से इसका टीएस कार्ड तो इस तरह से अपन को दिखाई देता है, इसके चार परतें हो गई। और अगर इसका एक उद्गर या अनुदैर्ध्य कार्ड निकालें तो इसमें इसकी भी ये सेम परतें रहेंगी चार, तो इसके चार स्तर हैं। तो सबसे पहला अपन स्तर पढ़ते हैं जिसको अपन कहते हैं सीरोसा। देखिए इसमें इतना याद रखिए कि ये उपकला सेल्स का बाहरी स्तर है, ये सबसे बाहरी स्तर है। किसका बना हुआ है? उपकला कोशिकाओं का बना हुआ है। दूसरी हम पढ़ते हैं पेशी स्तर, इस पेशी स्तर को हम कहते हैं मसल्स लेयर, नाम से स्पष्ट है कि इसमें मसल्स या मांसपेशियां पाई जाती है। तो इसमें जो बाहरी परत है, बाहरी परत उसके अंदर तो अनुदैर्ध्य पेशियां पाई जाती है, जिनको अपन कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाई जाती है इसके अंदर। और जो इसका आंतरिक परत है अंदर की तरफ है वो वर्तुल पेशियां पाई जाती है। तो चाहे आप आहार नाल का कोई सा भाग ले लो उसमें ये दोनों पेशियां पाई जाएगी। केवल आमाशय में हमने ये पढ़ा था कि आमाशय में एक तिरछी पेशी और पाई जाती है। तो आंतरिक परत में इसके वर्तुल, जिनको अपन सर्कुलर मसल्स भी कहते हैं। तो ये इस तरह से सर्कुलर मसल्स होती है और ये अनुदैर्ध्य पेशियां होती है। तो ये पेशियां है वो आंत में कुछ मूवमेंट जनरेट करती है। तीसरी इसकी अगर अपन लेयर की बात करें तो इसका जो तीसरा मुख्य परत है वो इसकी पाई जाती है सब म्यूकोसा के ठीक अंदर वाली परत। ये जो सब म्यूकोसा है ये कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम कहें कि ये संयोजी ऊतक से बनी है, और इस संयोजी ऊतक में विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाएं होती है जो संवेदनाएं ले जाने लाने काम करती है। विभिन्न प्रकार की धमनी, सिराएं, केशिकाएं, यथार्थ रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है। इसके अलावा लसिका वाहिनियाँ इसके अंदर पाई जाती है। तो ये इसमें मुख्य रूप से संयोजी ऊतक में पाई जाती है। लेकिन अगर अपन ड्यूडेनम की बात करें, ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा, ये एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में विशेष प्रकार की कुंडलित
श्लेष्मा स्रावित करने वाली, ग्रंथियां पाई जाती है। ये इसकी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ड्यूडेनम के सबमुखोसा में विशेष प्रकार की कुंडलित श्लेष्मा स्रावित करने वाली, श्लेष्मा बनाने वाली ग्रंथियां पाई जाएगी, जिन्हें ब्रूनर ग्लैंड कहते हैं, जिनको ब्रूनर्स ग्लैंड, कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं ब्रूनर ग्रंथियां, इनको ब्रूनर ग्रंथियां कहते हैं। या इसका एक नाम और, या इनको ड्यूडेनल, ग्लैंड भी कहते हैं। जो ड्यूडेनम के अंदर पाई जाती है उनको ड्यूडेनल ग्लैंड भी कहते हैं इनको। ये जो ब्रूनर ग्लैंड है, इनका मुख्य काम होता है श्लेष्मा का स्राव करना, जिसको अपन म्यूकस कहते हैं, इसका स्राव करती है। तो ये आंत को आमाशय में भोजन के साथ जो एसिड आया है उससे सुरक्षा भी करेगी, और आंत्र के जो माध्यम होगा उसको क्षारता प्रदान करने का काम भी करती है। ये कहाँ पाई जाती है? ये जो ग्लैंड है, ये जो हमने पढ़ा था ना कि ड्यूडेनम के अंदर, ड्यूडेनम के जो स्फिंक्टरोपोडा ही था, जहाँ पर अग्नाशय वाहिनी और पीत वाहिनी आकर खुल रही थी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी के ऊपर वाले भाग में पाई जाती है, ऊपर वाले भाग में पाई जाती है, जहाँ से आमाशय से जुड़ी रहती है या जहाँ से आमाशय से प्रारंभ होती है, तो उस ओडी की स्फिंक्टर के ठीक ऊपर ही ये पाई जाएगी। इनका कार्य क्या होगा कि ये जो ब्रूनर ग्रंथियाँ हैं, इनका कार्य ये होगा कि एक तो ये क्षारीय श्लेष्मा का स्राव करती है, क्षारीय श्लेष्मा का स्राव करती है, जो आंत्र को आमाशय से जो अम्ल आया एसीएल, आमाशय के अम्ल, कौन सा अम्ल है, एसीएल अम्ल से सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करेगी। दूसरा इसका काम हो जाएगा, और जो आंत्र के जो एंजाइम है, आंत्र के एंजाइमों को सक्रिय करने के लिए क्षारीय माध्यम प्रदान करना। आंत में जो एंजाइम होंगे वो सारे माध्यम में काम करेंगे, तो उनको सक्रिय होने के लिए क्षारीय माध्यम चाहिए, तो ये सारे माध्यम है वो ब्रूनर्स ग्लैंड ही काम करती है। तो जो श्लेष्मा, क्षारीय श्लेष्मा होता है, सारे श्लेष्मा, क्योंकि इसके अंदर बाइकार्बोनेट काफ़ी ज़्यादा में पाए जाते हैं। और चौथा इसका अपन परत पढ़ लेते हैं, म्यूकोसा, इम्पोर्टेंट है म्यूकोसा। तो इसमें अपन ध्यान देने वाली बात है कि ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है, जो श्लेष्मा का स्राव करेगी। इसका चौथा परत है म्यूकोसा। अब म्यूकोसा को भी अपन देखेंगे, है ना, तो इस तरह से म्यूकोसा होगा कि इसमें भी जैसे सब म्यूकोसा के ठीक ऊपर ये एक, इसकी म्यूकोसा के तीन पार्ट होंगे, ये तो एक इसका पहला पार्ट होगा, फिर इसके ऊपर इसका दूसरा पार्ट, और फिर इस तरह से ये फोल्ड होते होते माइक्रोविलायर विलाई बन जाती है। इसका ये एक पार्ट होगा, तीन पार्ट हो गए इसके। ये जो आपको दिख रहा है, इसको अपन कहते हैं मस्कुलेरिस म्यूकोसा, ये पेशियों का बना हुआ है ये भी, और इसके ठीक ऊपर जो संयोजकता का, उसको बोलते हैं लेमिना प्रोपरिया, ये संयोजकता का बना हुआ है, ये संयोजकता से है। और जो ये झिल्ली टाइप दिख रहा है, इसको अपन कहते हैं श्लेष्मा उपकला, ये श्लेष्मा उपकला है। तो म्यूकोसा के भी तीन पार्ट हो गए, अंदर वाला मस्कुलेरिस म्यूकोसा, फिर उसके ठीक ऊपर लेमिना प्रोपरिया, और फिर तीसरा श्लेष्मा उपकला। तो ये जो श्लेष्मा उपकला है, श्लेष्मा उपकला
प्लस जो नीचे वाला संयोजकता है, एक पतला आवरण होता है लेमिना प्रोपरिया, ये दोनों मिलकर श्लेष्मा कला का निर्माण करते हैं, श्लेष्मा कला का निर्माण करेंगे। अब ये जो म्यूकोसा है, ये म्यूकोसा क्या करता है, पूरी तरह पूरा जो म्यूकोसा होता है वो म्यूकोसा वलित होकर, वलित होकर, वलित का मतलब होता है फोल्ड, फोल्ड होकर, वलित होकर बड़े वलन या फोल्ड, यानी इसकी फोल्डिंग होती है और फोल्डिंग होकर इस ये बड़े वलन या फोल्ड बनाता है, जिन्हें ये जो ये आप फोल्ड देख रहे हो, ये फोल्ड है, ये फोल्ड ये कहलाते हैं केकरिंग के वलन, केकरिंग के वलन है, या इनको अपन कहते हैं फोल्ड्स ऑफ केकरिंग, इनको हम फोल्ड्स ऑफ केकरिंग कहते हैं। ये जो आप फोल्ड दिख रहे हैं, मतलब ये जो फोल्ड, ये फोल्ड दिख रहा है, ये तो है वलन, इनको तो कहेंगे अपन वलन। और ये जो फिर ये उठा हुआ जो अंगुली के समान उभार है, इस अंगुली, ये जो प्रोपरिया का ये जो उभार सा है, इसको तो अपन वलन कहेंगे। और ये जो अंगुलनुमा उभार है, इसको अपन कहेंगे विलाई। और विलाई फिर छोटे छोटे इस तरह से फोल्ड में है, तो ये कहलाएगी माइक्रो विलाई, माइक्रो विलाई। तो इस तरह से इसके तीन संरचनाएं होगी। केकरिंग के फोल्ड कह दिए हमने। इन वलनों पर अंगुली, अंगुली नुमा, जिसको फिंगर के समान कहते हैं, यानी फिंगर लाइक, फिंगर लाइक उभार होते हैं, जिन्हें रसांकुर या इनको कहते हैं विलाई, क्या कहते हैं, विलाई या रसांकुर कहा जाता है। ये हमने इसको, इनको विलाई कह दिया। अब ये क्या होते हैं कि जो विलाई होते हैं, ये खुद भी छोटे छोटे ब्रश के समान संरचना में बड़े रहते हैं। ये जो विलाई है, विलाई की जो उपकला है, पर अनेक छोटे छोटे, छोटे छोटे ब्रश समान संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं। माइक्रोविलाई का होगा माइक्रो मतलब सूक्ष्मांकुर, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। ये सभी जो माइक्रोविलाई, विलाई, ये जो आंत्र के ब्रश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। जो ब्रश बॉर्डर बन जाएगा तो क्या होगा, अवशोषण का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यह आंत्र की प्रमुख विशेषता है, प्रमुख विशेषता है। अब जैसे हमने इसका चित्र बना के देखें, तो इसका पूरी तरह से इसके चारों परतों का, तो अब इनका चित्र बनाएंगे। अब ये जो इसके सबसे बाहर की तरफ हो गया, जैसे ये है, इसको हम कहें कि ये हो गया ये आपका सीरोसा, और सीरोसा के बाहर जैसे हम कहें कि ये हो गया मसल्स लेयर, इसको हम मसल्स लेयर कह देते हैं। इसको ये है मसल्स लेयर, इसमें दो तरह की वर्तुल और ऐसी पेशियाँ पाई जाती है। फिर इसके अंदर आगे ऊपर हो गया म्यूकोसा, म्यूकोसा, म्यूकोसा नहीं, सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के अंदर हमने कहा कि इसमें बहुत सारी तंत्रिकाएं पाई जा रही है,
रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है, और विशेष कुंडलित ये ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है। इसके अंदर है ब्रूनर्स ग्लैंड, और ये इसके ऊपर मस्कुलर सी म्यूकोसा हो गया, और इसके ऊपर ये जो लेमिना प्रोप्रिया है, इस तरह से ये फोल्ड होके अंगुलियों के समान उभार बना रही है। ये विलाई है, ये माइक्रो विलाई बन रही है। तो अपन इस तरह की संरचना को इस तरह से समझा सकते हैं। तो ये इसके अंदर ये हो गया लेमिना प्रोपरिया, ये तो हो गया मस्कुलेरिश म्यूकोसा, ये हो गया लेमिना प्रोपरिया, और ये होगी श्लेष्मी उपकला, जिसको अपन कहते हैं म्यूकस एपिथीलियम। ये कहलाते हैं वलन, जो म्यूकोसा के फोल्ड हो रहे हैं, म्यूकोसा पूरा फोल्ड हो रहा है। ये जो अंगुलनुमा उभार है, इस उभार को हम कह रहे हैं विलाई, और ये जो छोटे छोटे ब्रश के समान और दिख रहे हैं आपको, ये कहलाएगा माइक्रो विलाई। तो ये इस तरह से ये वलन, फिर विलाई और माइक्रो विलाई, ये तीनों मिलकर ये जो उभार है, ये जो फोल्ड है, ये है वलन, और ये जो अंगुलनुमा उभार बन रहा है, ये है विलाई, और ये विलाई फिर ब्रश के समान संरचना में बटा हुआ, इसको कहते हैं माइक्रो विलाई। तो इस तरह से, इसके अलावा इसमें इस जो प्रत्येक विलाई है, इस विलाई में एक लसिका की केसिका पाई जाती है, ये लसिका केसिका है, ये इस तरह से इसके अंदर लसिका केसिका पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं, इसको कहेंगे लसिका केसिका, जिसको हम लेक्टियल भी कहते हैं, लेक्टियल। और इसके चारों ओर रुधिर वाहिनियों का जाल होता है, इसके चारों ओर। ये है रक्त केसिका, जो केस कैपिलरीज होती है, रक्त केसिकाओं का जाल पाया जा रहा है। तो बीचों बीच इसके एक लसिका केसिका है, जो कि वसा का अवशोषण करने में सहायक होगी, और इसके चारों ओर रक्त केसिकाओं का जाल पाया जाता है। तो इस तरह से ये हमारी डुडेनम की ये जो है, ये पाई जा रही है ब्रूनर्स ग्रंथियाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है, ये डुडेनम में पाई जाती है। तो मैंने इसके एल एस ऑफ ड्यूडिनम, ये एल एस ऑफ ड्यूडिनम हो गया। अब इसमें और कुछ एक चीज़ और है कि प्रत्येक विलाई में एक केंद्रीय लसिका केसिका, जिसको हम क्या कहते हैं, लेक्टियल पाई जाती है, तथा इसके चारों ओर रुधिर केसिकाएं होती है। वलन, ये जो वलन है, वलनों यानी फोल्ड्स, और फिर हो गया आपके ये रसांकुर, जिनको अपन कहते हैं विलाई, वह सूक्ष्मांकुर, इसको हमने क्या कहा, माइक्रो विलाई। इन तीनों की उपस्थिति के कारण आंत्र का पाचन व अवशोषणकारी क्षेत्रफल बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ गया, तो इस कारण से इनका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब एक चीज़ और बतानी है यहाँ पर, ये जो दो विलाई है,
इन विलाई के बीच में आपको ये दरार दिख रही है, इस दरार को कहते हैं लिबरकुन की दरारें, लिबर कुहन की दरारें। ये जो दरारें दिख रही है लिबरकुन की दरारें हैं। अब इस दरारों में क्या होता है कि ये जो श्लेष्मी कला है इसमें कुछ कोशिकाएं हैं वो विशेष रूप से रूपांतरित हो जाती है, और रूपांतरित होकर विभिन्न प्रकार के आंत्र के रस का स्राव करती रहती है और इस लिबरकुन की दरार में पहुंचाती रहती है। तो ये लिबरकुन की दरारें पाई जाती है इन दो विलाई के बीच में, पहला विलाई ये है, दूसरा ये है, इन दोनों के बीच में लिबरकुन की दरारें पाई जाती है। जैसे ये लिबरकुन की दरार है, ये लिबरकुन की दरार है। तो इस लिबरकुन की दरार में क्या होता है कि श्लेष्मा जो उपकला है उसकी कुछ कोशिकाएं रूपांतरित होकर ग्रंथियां या विशेष कोशिकाएं बना लेती है और आंत्र के विभिन्न प्रकार के रसों का या घटकों का स्राव करती है। तो इसको और अपन पढ़ते हैं। तो हमने ये कहा कि दो विलाई के बीच की दरार या जो रिक्त स्थान है को लिबरकुहन, साइंटिस्ट हुए थे, लिबरकुन की दरारें जिनको अपन कहते हैं क्रिप्स ऑफ लिबर कुहन, क्रिप्स ऑफ लिबर कुहन कहते हैं इनको, आंत्रीय ग्रंथियां भी कहते हैं। ये जो लिबरकुन की जो दरारें हैं इनको क्या कहते हैं? आंत्रीय ग्रंथियां भी कहते हैं। इन दरारों की जो श्लेष्मी उपकला है, श्लेष्मी उपकला की कुछ कोशिकाएं रूपांतरित होकर रूपांतरित हो जाती है, रूपांतरित होकर आंतर रस का स्राव करती है। आंतर रस जिसको इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंटेरिकस भी कहते हैं। आंत्र रस का एक नाम और है जिसको हम कहते हैं सक्कस इंटेरिकस भी इसको कहा जाता है। तो ये जो लिबरकुन की दरारें हैं इसकी कुछ कोशिकाएं रूपांतरित हो जाती है और रूपांतरित होकर विभिन्न प्रकार के आंतर रस के घटकों का स्राव करती है। आंतर रस को हम सक्कस इंटेरिकस भी कहते हैं। अब ये कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, जैसे उदाहरण देखते हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो स्रावी सेल है वो देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सी। तो पहले जैसे इसके अंदर होती है गोबलेट सेल, तो ये तो हमने आमाशय में भी पढ़ी थी। गोबलेट सेल ये इसका मुख्य काम होता है म्यूकस का या श्लेष्मा का स्राव करना। ये म्यूकोसा में पाई जाती है, श्लेष्मा का स्राव करने वाली ब्लूनर्स ग्लैंड तो सब म्यूकोसा में होती है, ये म्यूकोसा के अंदर पाई जा रही है। दूसरी इसकी ग्रंथि होती है जिनको कहते हैं पेनेथ कोशिकाएं, ये भी एक इम्पोर्टेंट कोशिकाएं हैं। पेनेथ सेल्स ये क्या करती है, ये जीवाणुओं को मारने वाले लाइसोजाइम एंजाइमों का स्राव करती है। मतलब अगर अम्ल से कोई जीवाणु बचकर आ गया तो आंतों का जो आंतरिक रस है, पेनेत कोशिकाएं हैं, उस जीवाणु को नष्ट करने का काम करती है। तो एक सेल तो इसमें होती है। तो पेनेत कोशिकाएं हमारी डुडेनम के अंदर पाई जा रही है।
इसके अलावा जैसे अपन बात करें तीसरी सेल की, तो इसके अंदर होती है आंत्रीय कोशिकाएं, आंत्रीय कोशिकाएं जिनको हम कहते हैं एंटेरोसाइट्स, एंटेरोसाइट्स को होते हैं ये, तीसरे हमारे हाथ में पाई जाती है। ये क्या करती है, ये जल व जो जल अपघट्य होते हैं, अपघट्यों का स्राव करती है, ये जल और जल अपघट्यों का स्राव करेगी। ये सेल से आंत की अवशोषणकारी यानी अवशोषण करने वाली भी है, ये अवशोषणकारी सेल भी है, ये अवशोषण का काम भी करती है, जो विभिन्न भोज्य पदार्थ वह आयनों का अवशोषण करेगी, आयनों का अवशोषण करती है। तो इसको देखो, एक इसका एक काम तो ये कर रही है कि जल और जल अपघट्यों का स्राव कर रही है, दूसरा काम ये आंतरिक कोशिकाएं क्या कर रही है, अवशोषण का काम भी कर रही है। तो हमारे भोजन में जो पचे हुए भोज्य पदार्थ है और आयन है उसका अवशोषण करके अवशोषण भी करती है। ये जो है ये कोशिकाएं, ये जैसे अपन देखें तो बिल्कुल एक सिंपल स्तंभाकार कोशिकाएं होती है, ये सरल स्तंभाकार, स्तंभ के समान स्तंभाकार उपकला की सेल्स होती है, एक लेयर मतलब इस तरह से एक लेयर्स होती है इस तरह से। ये सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सेल से एक हार्मोन का स्राव करती है जिसे लेप्टिन, इसको याद रखिएगा, जिसको लेप्टिन हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन है न कि एंजाइम, लेप्टिन हार्मोन कहते हैं। ये क्या करता है, ये हार्मोन भूख को कम करके उसे कंट्रोल करता है, यानी आमाशय में तो जैसे हमने घेरलिन हार्मोन पढ़ा था जो भूख को बढ़ा रहा था, ये एक लेप्टिन हार्मोन है जो कि भूख को कम करके भूख को कंट्रोल कर लेगा। तो इस तरह से ये हमारे आंतरिक कोशिकाएं पाई जाती है। हमारे जो ये जो म्यूकोसा है उसके अंदर एक एंजाइम और बनता है, यानी ड्यूडेनम के म्यूकोसा में एंट्रोकाइनेज नामक एंजाइम बनता है, जो हमें एक एंजाइम होता है जिसको अपन कहेंगे ट्रिप्सिनोजन, जो इस आंत्र के रस में होता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलता है। तो ये भी ड्यूडेनम की म्यूकोसा में ही बनता है एंट्रोकाइनेज, जो ट्रिप्सिनोजन एंजाइम निष्क्रिय उसको सक्रिय, ये निष्क्रिय होता है और ये सक्रिय होता है, तो इसमें कन्वर्ट करने का काम एंट्रोकाइनेज एंजाइम करेगा जो कि ड्यूडेनम के अंदर ही पाया जाएगा। ये तो थी इसकी ड्यूडेनम की बात। नेक्स्ट अपन कर लेते हैं जैसे इसके जेजुनम, तो जेजुनम लगभग बिल्कुल समान इनकी संरचना होती है, लेकिन इसके एक जो ईलियम है उसमें कुछ भिन्नता है, तो अपन ईलियम की हिस्टोलॉजी और पढ़ लेते हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ ईलियम, ड्यूडेनम और जेजुनम की बिल्कुल समान है, ये भी लगभग ड्यूडेनम के समान संरचना होती है, बिल्कुल लगभग समान संरचना होती है, लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसके सब म्यूकोसा में ब्रूनर
ग्रंथियाँ जो ब्रूनर ग्रंथियाँ थी नहीं पाई जाएगी, नहीं पाई जाती है। ये याद रखने वाली बात है कि इलियम की सबमिकोसा में ब्रूनर ग्रंथियाँ नहीं मिलेगी। इसके म्यूकोसा में फोल्ड विलाई और माइक्रो विलाई अधिक संख्या में होते हैं, अधिक संख्या में पाए जाते हैं, यानी ज़्यादा संख्या में मिलेंगे इसमें आपको। और जो लिबरकुन की दरारें होती है, लिबरकुन की दरारों के साथ साथ एकल या समूह में, या तो ग्रुप होगा या सिंगल होगी, समूह में लसिका ग्रंथियां पाई जाएगी। ये इसकी एक बड़ी विशेषता है, लसिका ग्रंथियां, जिसको हम लिम्फ कहें कि लिम्फ पर्व या लिम्फ, इसको ग्लैंड भी कहते हैं, लिम्फ ग्लैंड पाई जाती है। लसिका ग्रंथियां इसकी विशेषता है, जिसे एक स्पेशल नाम है इनका, पेयर्स पेचेज। पेचेज के मतलब हो गए समूह है, पेयर्स का नाम दिया गया है, तो इनको पेयर्स पेचेज भी कहते हैं। ये इसकी एक बड़ी विशेषता है कि पेयर्स पेचेज हैं वो केवल ईलियम के अंदर ही पाए जाते हैं, ये ईलियम के अंदर ही आपको मिलेंगे। ये जो पेयर्स पेचेज हैं ये केवल और केवल ईलियम के अंदर पाए जाते हैं। तो लसिका ग्रंथियाँ होती हैं इनके अंदर, जो समूह में या एकल रूप में पाई जाती है। ये पेयर्स पेचेज का क्या काम है, ये जो पेयर्स पेचेज है ये क्या करते हैं, जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, नष्ट करके आंतर की सुरक्षा करते हैं, और लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं, तो जिससे हमारे आते हैं वो रोगों से बची रहेगी, प्रतिरोधक क्षमता उसमें पाई जाएगी। तो ये हमारी छोटी आंत के जो प्रमुख भाग थे उनके अंदर की संरचनाएं थी। इसमें भी सेम वही परतें, इले में भी वो सारी चारों परतें होती है, लेकिन इले में क्या होता है, ब्रूनर्स ग्रंथियां नहीं है, बाकी और चीज़ फोल्ड विलायर माइक्रोवेल अधिक संख्या में है, लिबरकुन की दरारें हैं और उनमें पेयर्स पेचेस पाए जाते हैं। तो अगर आप कहें कि आप एक ही ड्यूडेनम को और इलियम को कैसे पहचानोगे, तो जो ड्यूडेनम होता है उसमें तो क्या पाई जा रही है, ब्रूनर ग्लैंड, ब्रूनर ग्रंथियां, और ये कहाँ मिल लेती है, उसके सब म्यूकोसा में, सब म्यूकोसा में, और उसके अंदर एक केवल लेक्टियल मिलती है, लेक्टियल पाई जा रही है म्यूकोसा के अंदर। जबकि जो ईलियम था उस ईलियम में क्या हो रहा है, ब्रूनर्स ग्लैंड तो है नहीं, तो इसके अंदर पेयर्स पेचेज मिल रहे हैं, तो इसके द्वारा हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं। पेयर्स पेचेज मिल रहे हैं जो कि लसिका ग्रंथियां होती है, और ब्रूनर्स आपके ब्रूनर्स ग्रंथियां नहीं पाई जाएगी, तो इन पेयर्स पेचेज की सहायता से हम इनको आसानी से पहचान सकते हैं। तो इस तरह से हम ड्यूडेनम और इलियम को हमने आज इसके संरचना को पढ़ा है। जिन विद्यार्थियों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जो रेड बटन दिख रहा है आपको सब्सक्राइब का उसको दबाएं, और ये आपको चैनल का एक मोटिवेशन का तरीका है।